हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर 4, दैट नेम इज लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। मतलब हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन और लीनियर जो इनइक्वालिटी होती है वो क्या होती है बताएंगे अभी। टू वेरिएबल हमें सॉल्व करना है। इससे पहले जब हमने चैप्टर 3 पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हाउ व्हाट इज द पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एंड उसी के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या होता है, इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इफ 1, देन दिस नॉन इज लीनियर इक्वेशन। ओके, टू वेरिएबल मीन्स इसके अंदर हमें वेरिएबल टू दो वेरिएबल्स मिल जाते हैं, जैसे जैसी बात है देयर आर टू वेरिएबल्स। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये किसमें देखो लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, यहाँ पे भी पावर क्या है 1, यहाँ पे भी पावर 1 है, सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। And there are two variables x and y. There are two different variables. X and y are two different variables. Then this is known as linear equation. Linear equation. Two variable. बस यही सी बात ये है. In any equation, if you find that degree is 1 and there are two variables, that's called linear equation in two variable. Okay. After that. There is a term simultaneous equation. कुछ भी नहीं है, it is pair of two equation. It is a pair of two equations. In which solution satisfy both equation. मतलब हमें कोई भी दो इक्वेशन गिवन है, मान लो कोई भी दो इक्वेशन, अगर कोई सॉल्यूशन होते हैं x is equal to this and x is equal to y is equal to this, ओके, वो दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या होंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे एक है हमारा 3x plus 2y is equal to 5, और एक है क्या 4x plus 7 is equal to 11, 4x plus 2y 7y। तो देखो दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है और ये भी लीनियर इक्वेशन है, और देखो यहाँ पे टू वेरिएबल x and y, देयर आर टू वेरिएबल्स। अब If we take x is equal to 1 and y is equal to 1, अगर हम x is equal to 1 and y is equal to 1 लेते, x is equal to y, we're putting in equation number first, this is equation number second. So first में put करो, 3 into 1 plus 2 into 1, क्या आता है देखो, 3 into 1, 3 plus 2 is equal to 5 आ गया, इस तरह से इसको satisfy करता है। अब देखो, यही x is equal to y is equal to, इसमें put करो, 4x plus 7y, so 4 into 1 plus 7 into y is equal to 4 plus 7 is equal to 11, देखो यहाँ पे भी 11 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों x is equal to x, y is equal to 1 will satisfy both equation, so these are called simultaneous equation, मतलब अगर कोई भी solutions x और y के, मतलब दो variables के solution, if you satisfy both two equation, that's called simultaneous equation in two variable. Okay. So after that, this is just some basic concepts. Okay. लेकिन हम जब fourth chapter में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? Solution of linear equation two variable by graphical method. By the using of graphical, इससे पहले हमने एलिमिनेशन मेथड वगैरह ये सब पढ़े थे हमने पहले 9th क्लास में, तो इस साल हम 10th क्लास में पढ़ेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्यूशन बाय द ग्राफिकल मेथड।
उस ग्राफिकल मेथड समझने से पहले हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। अगर हमारे पास कोई इक्वेशंस गिवन हो, इफ वी हैव गिवन एनी इक्वेशंस, देन वी हैव टू ड्रॉ ए ग्राफ इन ग्राफ कॉपी। ओके, तो ग्राफ कॉपी में हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए। ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले हम इक्वेशंस लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड 5x प्लस माइनस 2y इज इक्वल टू 12। ये है हमारे पास इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस का हमें ग्राफ बनाना है। इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ। वी हैव टू प्लॉट ग्राफ इन ग्राफ कॉपी ऑफ दिस टू इक्वेशंस। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो कैसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसके लिए सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे, सबसे पहले तो टेबल बना लेंगे। क्या बनाओगे, टेबल फॉर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसलिए टेबल बना लोगे पहले, तो इस तरीके से टेबल बनाए। आपने तो काम पहले 9th क्लास में शायद कर चुके हो, ये टेबल हमने बना लिया। तो और यहाँ पर हमने ले लिया क्या, एक x ले लिया और एक y ले लिया। तो हमें देखो दो दो की टेबल काफ़ी हमारे लिए, तीन की हमें जरूरत नहीं है, बहुत है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, टेक x इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में x इज इक्वल जीरो पुट कर दो। x इज इक्वल जीरो अगर हम पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिए तो y क्या आता है, देखो ये 2 इंटू जीरो प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y इज इक्वल टू 13, देन 3y इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 13 अपॉन 3 का मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू 3 4 12, 3 2 3 1 3 3 9, 4.9 समथिंग है, कुछ 4.9 समथिंग आ गया। ठीक है, ये y की वैल्यू आ गई, मतलब y क्या 4.9 समथिंग कुछ आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि टेक y इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या ले लेंगे, y जीरो ले लेंगे। अब देख लो कि x क्या आता है, 2 इंटू x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 13। तो ये तो जीरो हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या है, 13 अपॉन 2। तो क्या आ गया, 2 6 12 6.5, ये आ गया 6.5। बस बहुत है, ज़्यादा नहीं लेना हमें, इतना ही काफ़ी है। तो ठीक है, इस सिचुएशन में टेबल ये बना ली, एक बार x जीरो रख करके y फाइंड कर लिया, फिर एक बार y जीरो रख के x फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लेते हैं इक्वेशन ये, नाउ टेक इक्वेशन टेबल फोर इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन ये, तो हम इसके टेबल बनाएंगे क्या, इस तरीके से वही टेबल बनाओगे, ये टेबल बन गई हमारी। उसके बाद फिर से वही x एंड y, ओके, देन सो टेक x इज इक्वल टू 0, x के ले लिया 0 ले लिया, तो 5 इंटू 0 माइनस 2 इंटू y इज इक्वल टू 12, तो -2y इज इक्वल टू 12, तो y कितना आ गया, -6 आ गया, y कितना आ गया, -6, ओके। अब देखो, नाउ टेक x इज इक्वल टू 0 ले लिया, नाउ वी विल टेक y इज इक्वल टू 0, वी विल टेक y इज इक्वल टू 0, फाइंड x, देन 5x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, देन 5x इज इक्वल टू 12, देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, कितना आएगा, 5 टू द 10 कितना बचा, 2 0, 5 4 20, तो 2.4 आ गया। बस बहुत है, ठीक है, ये टेबल हमारी तैयार हो गई। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ कॉपी, ग्राफ कॉपी लोगे आप लोग, ग्राफ कॉपी के अंदर इस तरीके से बना लोगे, बना सकते हो। यहाँ पे 0 0 ओरिजिन, पहले क्या होता है, ग्राफ कॉपी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ग्राफ को जिस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो सेंटर में, ओके, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर -1 -2 -3 -4 -5, ओके, -1 -2
माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से बना दिया। अब देखो पहले इस इक्वेशन के लिए लेते हैं हम एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे आएगा, पहले ये देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे आएगा, जीरो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड वाई इज इक्वल टू फोर पॉइंट नाइन, एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल फोर पॉइंट नाइन यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये क्या आ गया फोर पॉइंट जीरो जीरो और फोर पॉइंट नाइन, फोर पॉइंट नाइन ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इसको ले लेते हैं हम कुछ ही पॉइंट ले सकते हैं, जीरो फोर पॉइंट नाइन हमारे पास इस ये आ गया। अब वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल सिक्स पॉइंट फाइव, एक्स इज इक्वल सिक्स पॉइंट फाइव यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो एक्स इज इक्वल सिक्स पॉइंट फाइव एंड वाई जीरो ये हमारे पास हमने बना दिया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम, वी विल ज्वाइन दीज टू पॉइंट इस तरीके से, ओके नाम लिखो इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन है, टू एक्स प्लस थ्री वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थर्टीन, ये इक्वेशन का नहीं लिखती है, अगर ये नेम इक्वेशन का नहीं लगे तब तक रॉन्ग माना जाएगा ये, ओके इस इक्वेशन का काम हो गया। अब इसके लिए देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स यहाँ पे आया, ये रहा एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स यहाँ पे आया, ओके हमारे पास आते हैं कौन कौन सा पॉइंट, जीरो माइनस सिक्स, जीरो माइनस सिक्स, ओके आफ्टर दैट वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू पॉइंट फोर यहाँ पे देखो पहला एक्स इक्वल टू पॉइंट फोर, तो ये क्या आ गया एक्स टू पॉइंट फोर और ये जीरो, नाउ जॉइन दिस टू लाइन, इस तरीके से हमें लाइन को ज्वाइन करें आगे का, इस तरीके से लाइन ज्वाइन करेंगे, ओके ये लाइन ज्वाइन हो गई हमारी, ओके आफ्टर दैट दिस इज द पॉइंट पी, यही हमें क्या मिलेगा सॉल्यूशन मिलेगा इस पॉइंट पी के ऊपर। अभी सर ग्राफ बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं ग्राफ, आपको ग्राफ बनाना समझ में आया होगा कैसे, हमने क्या किया इक्वेशन पहले ये वाली इक्वेशन ली उसके अंदर एक्स इक्वल जीरो पे ये आ गया, वाई इक्वल जीरो पे ये आ गया, बस उसके बाद ये टेबल बन गई हमारी। उसके बाद आप लोग ये काम जो है ये रफ में भी कर सकते हैं, ये वाला मैंने समझाने के लिए बताया कि काम आपको रफ में करना है, ओके या फिर फेयर में कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेयर में भी कर सकते हो। तो फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन ली एक्स इज इक्वल जीरो रखा माइनस सिक्स आया, एक्स इज इक्वल माइनस टू पॉइंट फोर रखा जीरो आ गया, सॉरी वाई इज जीरो रखा टू पॉइंट फोर आ गया। इसके बाद हमने ये कोऑर्डिनेट्स लेकर के हमने क्या किया कि ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये हमारी ग्राफ बनाना आ गया, इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, ओके इसी के बाद हम आगे और बनाना सीखते ग्राफ आगे कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 2x plus 4y is equal to 10 है, 3x plus 6y is equal to 12 हमें गिवन है, हमें फिर से वही क्या है ग्राफ हमने सीखेंगे सब, इससे हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्राफ बना रहे हैं अभी, तो पहले ग्राफ बनाते हैं। सो टेकिंग सॉरी लिखते हैं हम टेबल, टेबल फॉर इक्वेशन 2x plus 4y is equal to 10, इसकी टेबल बना दो, इस तरह से हमने टेबल बना ली, ओके तो ये टेबल के अंदर थ्री पार्ट हो गई है एक्स और ये वाई। अब देखो इस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो रखते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो तो जीरो हो गया प्लस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू टेन, तो वाई इज इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाई फोर कितना है फाइव अपॉन टू, तो टू पॉइंट फाइव, तो क्या आ गया टू पॉइंट फाइव आ गया, ओके आफ्टर दैट वी विल पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो रख दिया तो क्या आ गया वाई को जीरो कर दो, तो ये टू एक्स प्लस फोर इंटू जीरो इज इक्वल टू टेन, तो 2x is equal to 10, x is equal to 10 divided by 2 is equal to 5, okay? x is equal to क्या आ गया 5, ये हमारे टेबल में बस इतना सा करना है। Now we will draw table, table for equation, which equation 3x plus 6y is equal to 12, okay? So table बनाओ, draw table, same as earlier. So this is x and this is y.
नाउ पुट इन दिस इक्वेशन 3x plus 6y, तो x is equal to 0 रख दिया हमने, तो 3x को क्या होगा 0 plus 6, क्योंकि 3 into x की जगह 0 रखा था, 3 into 0 0 हो गया, 6 into y is equal to 12, तो y is equal to क्या आ गया, 0 हो गया, तो 12 upon 6 is equal to 2, y is equal to 2, y is equal to क्या आ गया, 2 आ गया. Now put y is equal to 0, y is equal to 0, तो 3x is equal to 12, क्योंकि y तो 0 हो गया, यह टर्म तो 0 हो जाएगा, 3x is equal to 12 बचेगा, तो x is equal to क्या आ गया, 4 आ गया, x is equal to 4, बस टेबल बन गई. अब फिर से भाई ग्राफ ऑपरेटर के अंदर इस तरीके से ग्राफ बनाओगे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स वन टू थ्री फोर माइनस टू माइनस फाइव माइनस सिक्स ओके दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके नाउ गुड फॉर इक्वेशन दिस जीरो एक्स इज इक्वल टू क्या है जी तो एक्स जीरो यहां पे आएगा वाई क्या है 2.5 तो वाई 2.5 यहां पे आएगा कहीं पे ओके तो क्या है जीरो 2.5 जीरो एंड 2.5 ओके आफ्टर दैट फाइव जीरो सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या जीरो तो एंड एक्स इज इक्वल टू फाइव तो यहां पे कहीं पे आएगा एक्स वाई तो जीरो और एक्स इज इक्वल टू फाइव तो यहां पे कहीं पे आएगा दोनों को ज्वाइन कर दो इक्वेशन को जब मैं ज्वाइन कर दिया इक्वेशन को इसको आगे बढ़ा दूं नाम लिखो इक्वेशन का क्या है 2x plus 4y 2x plus 4y is equal to 10 ओके ये आ गया हमारा नेक्स्ट 3x plus 6y is equal to 12 3x plus 6y इसके लिए क्या है x is equal to 0 x is equal to 0 y is equal to 2 ये नहीं क्या है 0 and 2 after that y is equal to 4 y is equal to 4 y is equal to 0 sorry y is equal to 0 x is equal to 4 यहां पे आएगा तो यहां पे क्या आ गया 0 and 4 0 sorry 4 and 0 4 and 0 now join this तो आप देखोगे इसको ध्यान से देखोगे तो ये आपको पैरेलल दिखेगी तो लाइन क्या है पैरेलल दिखेगी आपको इस तरीके से दोनों लाइन से ग्राफ बना सकते हैं अभी हम सिर्फ ग्राफ बनाना सीख रहे हैं सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं ग्राफ बनाने का मतलब है सॉल्यूशन कैसे करोगे ओके तो हम पहले अच्छे से ग्राफ बनाना सीखेंगे ओके तो ग्राफ बनाना ये हमने सीख लिया इस तरीके से तो क्या किया है बस x इक्वल टू 0 y फाइंड किया y इक्वल टू 0 x फाइंड किया ऐसे x इक्वल टू 0 y फाइंड किया y इक्वल टू 0 x फाइंड किया दोनों इक्वेशन में ये हमारी इक्वेशन आ गई ये हमारी ग्राफ बन गया इस तरीके से सो नेक्स्ट एग्जांपल 4x + 6y = 18 एंड 2x + 3y = 9 सो टेबल 4 टेबल 4 इक्वेशन 4x plus 6y is equal to 18 फिर टेबल बनाओ अगर किसी को जीरो करने प्रॉब्लम आती है जीरो रखने पे तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो तो मैं वैसा भी समझ लेता हूँ आपको ये ओके ये x और ये y अब कोई कहता है कि हमें जीरो वाला समझ में नहीं आया तो हम क्या लिखते हैं ये इक्वेशन से 4x plus 6y is equal to 18 हम रखते हैं x is equal to 1 x is equal to क्या रखते हैं 1 x 4 into 1 plus 6 into y is equal to 18 तो 4 into 1 4 plus 6y is equal to 18 तो 6y is equal to 18 divided by 4 तो क्या आएगा 9 upon 2 तो 4.5 sorry sorry 6y is equal to 18 minus 4 तो 6y is equal to 14 then y is equal to 14 divided by 6 तो 7 upon 3 7 upon 3 का मतलब 3 to the 6 3.2.3 समथिंग कुछ आएगा तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए मैं क्या कहता हूँ ज्यादातर यहाँ पे हमें जीरो रखिए सॉल्व करना था अब जीरो से देखें कितना इजी पड़ेगा ये तो हमें कॉम्प्लेक्स हो गया अब देखो जीरो आंसर वही आएगा हमेशा आंसर कभी अगर आप लोग ग्राफ को सही प्लॉट करोगे अच्छे से तो कभी भी आंसर अब नहीं आएगा आपका एक्स अब हमने जीरो ले लिया अब देखो एक्स जीरो ले तो हट ही गया ना 4 into 0 plus 6y is equal to 18 तो y is equal to क्या रह गया तो 0 हो गया तो 18 divided by 6 is equal to 3 तो यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया अब क्या लेंगे y को 0 रख दो तो 4 into x plus 6 into 0 is equal to 18 then ये तो 0 हो गया तो 4x is equal to 18 x is equal to 18 divided by 4
तो 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो क्या आ गया 4 अपॉन 5 ये आ गया। ओके आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ टेबल 4, वी विल ड्रॉ टेबल 4, टेबल फॉर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसके लिए बनाओ। एक्स और ये वाई, ओके सो देखो नाउ वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन दिस 2x, एक एक्स तो 0 तो एक्स 0 रख दिया प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये तो 0 हो गया ना, तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3, यहां पे क्या आ गया 3 आ गया। ओके आफ्टर दैट अब हम क्या लिखेंगे इसी के अंदर y इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5, तो क्या आ गया 4.5 आ गया। अब इसे ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे ग्राफ, कैसे ही वैसे ग्राफ का भी जैसे हम बनाते आए हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। ओके ये हमारे पास ग्राफ, मतलब इस तरीके से ग्राफ बनाओगे। अब इसमें प्लॉट करोगे हमारे पास लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रहेगा, y इज इक्वल टू 3 कहाँ, 3 कहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आएगा क्या 0 और 3। ओके नाउ y इज इक्वल टू 0, 0 तो यहीं पे रहेगा, y इज x इज इक्वल 4.5, x इज इक्वल 4.5 यहाँ पे आएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, क्या मिल गया हमें 4.50 4.5 और ये 0। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, ये यहीं पे आएगा फिर से, फिर यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे फिर से यही आएगा, तो मतलब दोनों की इक्वेशन सेम ही रहेगी, क्या दोनों इक्वेशन सेम ही आ गई, इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या हो रही है कॉन्साइड्स हो रही है। यहाँ पर लिख दोगे क्या, एक जगह पर लिख दोगे 4x plus 6y is equal to 18 और एक इधर लिख दोगे क्या 2x plus 3y is equal to 9। देखो दोनों लाइन एक ही जगह पे आ रही है, दोनों लाइन क्या आ रही है एक ही जगह पे आ रही है, मतलब कॉन्साइड कर रही है। ओके इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल काम है, x = 0 को y फाइंड करो, y = 0 को x फाइंड कर लिया, फिर सेकंड इक्वेशन में x = 0 y फाइंड करोगे और y = 0 x फाइंड करोगे, बस ग्राफ बनाओगे सॉल्व। तो अभी आपको, अब देखो हमने तीन कंडीशन पढ़ी थी, अभी हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी है, थ्री, एक में क्या हो रहा था, एक में तो हमारे पास आ रहा था दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, दोनों लाइन क्या कर रही थी इंटरसेक्ट कर रही थी, फिर जो सेकंड कंडीशन थी दोनों लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही थी, सेकंड लाइन जिसमें क्या था पैरेलल आया था, और इसमें दो लास्ट का जो थर्ड केस था उसमें दोनों लाइन एक जगह कॉन्साइड हो गई थी। तो कब होती है देखो, हम दो इक्वेशन लेते हैं, लेट ए वन एक्स प्लस ए टू वाई इज प्लस सी वन प्लस इज इक्वल टू सी वन, ओके फिर ऐसे ही यहां पे बी लेते हैं बी वन, ओके फिर ए टू एक्स, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, ये लेते हैं इस तरीके से, हमारे पास दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है यहाँ पे ए वन बी वन, ए टू बी टू क्या है कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट्स है हमारे पास। ओके अब देखो ध्यान से, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन क्या होगा, लाइंस या फिर लिखोगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके ये हमारे पास इक्वेशन है, दो दो इक्वेशन हमेशा दो इक्वेशन है हमारे पास ग्राफिकल मेथड में, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन है, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू है, सो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। ऐसे इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो क्या होगा पैरेलल लाइंस,
पैरेलल लाइंस, जब लाइन पैरेलल तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी ना वही हमें सॉल्यूशन मिलेगा, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वही पे हमें वी विल गेट सॉल्यूशन। इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर इज नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन देयर इज नो सॉल्यूशन, ध्यान में रखना। ओके, इफ लास्ट केस है हमारे पास, इफ ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, अगर ये आ गया तो हम क्या करेंगे, कॉन्साइडिंग लाइंस का मतलब इनफिनिटी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जहां पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे हमें सॉल्यूशन मिलता है। अगर यहाँ पे लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन मिला, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही इसका मतलब नो सॉल्यूशन मिला। अगर यहाँ पे देखो हर जगह भी इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे लाइन यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हो रही है हर जगह पे, इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर जो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इनफाइनाइट हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास थ्री, कौन कौन सी, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन, एंड ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल सी वन अपॉन सी देन पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन, एंड ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल सी वन अपॉन सी टू देन कॉन्साइडिंग लाइंस एंड इनफिनिटी सॉल्यूशंस। ओके, इस तरीके से हमारे पास ये थोड़ी सी थ्योरी है इसकी, किसकी, फोर्थ चैप्टर में जब हम 4.x1 एक्सरसाइज करेंगे तब हमारे ये सब काम आएगा। ओके,